पहले अंकित भाई कैमरा घुमाकर दिखाइए कहां पर खड़ा हूं। ट्रोन स्किल सेंटर हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान आपको इसी जगह पर मिलेगा। काफ़ी भीड़ बच्चों की हिसार बस स्टैंड वाली गली मेरे बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे, हिसार बस स्टैंड वाली गली हाटोंग ऋषि नगर हिसार कंप्यूटर स्किल सेंटर, आपको कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। बच्चों की भीड़ देख पा रहे हैं मेरे बिल्कुल ठीक सामने इस समय, बच्चों की भीड़ देख पा रहे हैं, लड़कियाँ लड़के जो कंप्यूटर सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग करके किसी भी क्षेत्र में, चाहे मैं सरकारी विभागों की बात करूँ या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वह आपको बड़ी आसानी मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। कि भाई ये दिखाइए पहले हाटोंग स्किल सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों के लिए यहाँ पर भरमार है। इतने कोर्स हैं कि आप उंगलियों पर गिनते गिनते थक जाएंगे। और मैं करते बातचीत इतनी भीड़, क्या 2000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं क्या यहाँ पर? भीड़ भीड़ देख पा रहा हूँ, बच्चों का इस समय जमावड़ा लग चुका है, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सारे का सारा। अगर बात करूं सेंटर बच्चों से भरा पड़ा है इस समय, लाइव दिखा पा रहा हूं आप लोगों को, एडमिशन का दौर हो चुका है शुरू। अगर आप भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो एक बारी नंबर दिया गया बात करें, उसके अलावा रिसेप्शन पर पूरी टीम बैठी आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है, आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाएगी। देख पा रहे अंदर भी ये हालात हो चुके हैं हर शहर के, इतना फेमस इतना तो शायद पीएनबी बैंक इंडिया में फेमस ना हो जितना कि ऋषि नगर। फिलहाल इस समय हिसार ऋषि नगर पर खड़ा हूं, बस स्टैंड के बिल्कुल साथ वाली गली। सोंकित भाई कमेंट आ रहे, आवाज चेक कर लीजिए पहले। भाई साहब क्या करवाने आए हो? एडमिशन आप जी? भाजी सत्याकाल जी, तुसी की कराना है? एडमिशन कराना है। एडमिशन आप? एडमिशन कराना है। तो कॉपी पेस्ट हो रहेगा सारा ही? नहीं, सारे कॉपी कर रहे हैं। नहीं 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 मैडम, आप क्या करने बैठे हो? बस बात सर। तो देख पा रहे हैं ये एडमिशन करवाने के लिए बैठे हैं और ये एडमिशन करवाना चाहते हैं अपना, सो चलते हैं अंदर करते हैं बातचीत, आपको अंदर का नजारा दिखाऊंगा। सो पहले दोबारा कैमरा घुमा दीजिए ताकि कोई लड़की है ना कहीं मुझे नहीं दिख, इसने तो मुझे नहीं फेमस करा इसने। सो चलते हैं अंदर करते हैं बातचीत। फाइनली अंदर आ चुका हूँ। भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ। क्या सीख रहे हो? एक्सेल। अच्छा कितना समय हो गया? बस 2 महीने हो गए। 2 महीने? 2 महीने फर्क आया कुछ? हाँ। कितना? बहुत ठीक आ गया। इतना या इतना? इतना आ गया। इतना आ गया, ठीक है। हेलो मैम। हेलो। कैसे हो? बढ़िया बिल्कुल। मैम मेरे कंप्यूटर बहुत मुश्किल है क्या सीखना? नो, बहुत इजी है। नहीं, आपके लिए इजी है ना, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। नहीं, किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। और अगर समझाने वाला अच्छे से समझा रहा है तो बहुत इजी है। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो वैसे ही कंप्यूटर यूज करना है। बिल्कुल जी। अपने पास अगर बात करूँ सेंटर पर कौन कौन से कोर्स है, कोई 3-4 मेन बता दो। हाँ जी, DCA है, DCAA है, FCCB है, ठीक है, CCCCBA है, CCDL है, अलग अलग टाइप की कोर्सेज है। बस चक्कर आ जाएगा, बस रोक दो, यहीं रोक दो। हेलो मैम। हेलो सर। कितना समय हो गया आते हुए यहाँ पर? 1 महीना। 1 महीना? यस। कुछ फर्क दिखा 1 महीने में? बहुत ज्यादा सर। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी? यस सर। पक्की बात है? हाँ। 100 में 100? 100 में 100। ठीक है, करते हैं उन्होंने बातचीत। क्या भाई? गुड मॉर्निंग सर। ओ गुड आफ्टरनून। राम राम मान दो पहले। राम राम जी। ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है जी। क्या सीख रहे हो? एक्सेल सीख रहा हूँ। एक्सेल? यस सर। ठीक है, फर्क आया कुछ? बहुत फर्क है जी। कुछ ज्ञान लगा? ज्ञान है जी, सोनिया में अच्छे पढ़ाते हैं जी। अच्छा, ये भैया ये बंदा एक्स्ट्रा नंबर लेगा, मैडम की इतनी तारीफ कर रहा है। सो दूसरी क्लासों में भी लेकर जाऊंगा है जी, मेरी तारीफ भी होगी साथ में। आपको हाटोंग सेंटर पर लेकर आया हूँ हिसार के ऋषि नगर में। अगर आप भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपके भविष्य में काम आएगा, आपकी सरकारी नौकरी में काम आएगा, आपकी प्राइवेट जॉब किसी भी सेक्टर में आप करते हैं, इंतजार है तो केवल आपका, घर बैठे बैठे भी हिसार से लेकर आसपास का जितना भी गांव है एक बार बातचीत करो घर बैठे बैठे भी। आवाज बताते रहो साथ के साथ, आवाज आ रही है ना तमाम लोग इस समय जितने भी देख पा रहे हैं। मैम हेलो। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं देख पा रहा हूँ गुफाएं निकाली हुई है, एक के बाद एक कमरा, एक के बाद एक कमरा। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास बच्चे ही इतने ज्यादा है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए, तो इसलिए हमने जगह ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करी हुई। बिल्कुल। सो अगर बात करूँ मैं बच्चों को ना आमतौर पर काफी समस्या हो रही है और सेंटर्स पर जाकर, हाटोंग अलग क्या देगा?
हार्टोन का एक्चुअली ये है सर, आज के टाइम में आपने देखा है कि कहीं पे भी जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो डिप्लोमा मस्ट कर दिया है, कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो, इसलिए हार्टोन एक फैसिलिटी दे रहा है जो उनका डिप्लोमा है वो हर जगह वैलिड होगा। अच्छा, और सुना है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। बिल्कुल सर, पहले ये हरियाणा अंडरटेकिंग था, अब जो स्टेट अंडरटेकिंग था, अब जो है ये सेंटर अंडरटेकिंग है। अच्छा, तो हरियाणा में भी, स्टेट में भी और सेंटर दोनों जगह चलेगा। बिल्कुल जी। संकेत भाई, कैमरा घुमाइए और दिखाते जाइए, देख पा रहे हैं लड़के लड़कियां सारे आपको इस समय कंप्यूटर के अंदर घुसे हुए दिखाई दे पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, अपना कंप्यूटर सीखने के लिए जो घर से चला था वो ठान चुका है। हार्टोन सेंटर की तरफ से पूरी टीम इस समय आपको दिखा दूं, जितने भी यहाँ पर टीचर हैं बच्चों को लगे पड़े हैं पढ़ाने के लिए। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। सब बढ़िया। मुझे कितने दिन में ट्रेन कर दोगे कंप्यूटर में? सर आप ज्वाइन करके देखिए, बहुत जल्दी हो जाओगे। कभी ऐसा तो नहीं भगा दोगे? नहीं नहीं सर। तो आपको माता पिता देख पा रहे हैं, बच्चे देख पा रहे हैं इस समय लाइव, क्या अपील करते हो, क्या मैसेज देते हो एक टीचर होने के नाते? सर हम यही कहते हैं कि हमारे सेंटर में बहुत अच्छी मतलब नॉलेज मिलती है, और ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन का काम है, यहाँ साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है बच्चे को, बिहेवियर का मतलब हर नॉलेज उनके पास होती है, और हम यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, जॉब के लिए उन्हें मतलब अच्छा बनाते हैं, और काम भी आएगा, और हाँ जो काम आएगा बिल्कुल जी, और जिससे उनको ना आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। तो चलते हैं अगली क्लास में, करता हूँ बातचीत। सोंकित भाई अंदर चलिए, पहले आप एक बारी कैमरा घुमाकर दिखाइए, हार्टोन सेंटर वाले जितना दावा कर रहे हैं चीख चीख कर कि हमसे बेस्ट इंस्टीट्यूट शायद कोई और ना हो, क्या उतनी बात भी है? मैं फिलहाल अंदर आ रहा हूँ, हर एक क्लास के अंदर बच्चे देख पा रहा हूँ, चाहे मैं लड़कियों की बात करूँ या फिर लड़कों की, तैयारी हर बच्चा कर रहा है अपने अपने हिसाब से, टीचर बैठे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या लगती है हाथों हाथ बच्चे की समस्या को दूर किया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे बिना समस्याएं बहुत है, हो जाएगी क्या दूर? हाँ बिल्कुल सर, बताओ। कंप्यूटर का क्या भी नहीं पता लगे मुझे? नहीं सर, आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। पक्की बात है? बिल्कुल सर। कितने दिन में सर जो आप इसका कोर्स ज्वाइन करोगे? वैसे बेसिक कोर्स यहाँ पे 3 महीने से लेकर 1 साल तक का भी होता है सर। ठीक है, तो आप जैसा जो ज्वाइन करना चाहोगे बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा सर। अच्छा जी। हेलो सर। हेलो सर, इधर परफेक्ट बनाना है मेरे को। ओके, पक्की बात है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत सुन तो नहीं रहा ना? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, परफेक्ट क्या, आपको मतलब इतना नॉलेज दे देंगे कि आप अपना खुद का काम इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक बार बताइए ना बच्चों को ना, जैसे मान लीजिए सारे बच्चे बैठेंगे भाई, दिखा भी दीजिए, मान लो कोई बच्चे को कोई समस्या लगती है कुछ भी, तो बच्चे के मन में डाउट रहता है यार पूछूं, कभी सर टोक ना दे मुझे ऐसा कुछ। यहाँ पे बेसिकली हम बैच बना के रखते हैं। ठीक है, मान लो एक टॉपिक है आपका कोई, उस टॉपिक का बैच बना देते हैं। तो क्या होता है कि स्टूडेंट के मान लो कोई डाउट है, तो एक स्टूडेंट के डाउट आ रहा है, दूसरे के भी डाउट, वही सेम डाउट आ रहा है, एक पूछ रहा है दूसरा नहीं पूछ रहा, तो जो वो पूछ रहा है उसके साथ साथ दूसरे का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। अच्छा। अगर बाय द वे अगर वो नहीं पूछता तो जब हम उसका टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट के अंदर उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। सो आना कहाँ पर है, लोकेशन तो बता दो एक बार। लोकेशन है सर बस स्टैंड के पास में, ऋषि नगर के पास में हार्टोन स्किल सेंटर है, जो विश्वकर्मा मंदिर है हमारे पास उस रोड के ऊपर ही आपका सेंटर है, ऑन द रोड सेंटर है। सो इंतजार है केवल आपका, अब चलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास रूम में आ चुका हूँ, करूंगा बातचीत भी, पहले तो आपको इस समय अंदर दिखा दूं, बच्चे देख पा रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर कौन बनेगा करोड़पति शायद खेल रहे हो, ये तो नहीं खेल रहे ना? सर नमस्कार, कैसे हो? आ जाइए थोड़ा पास ही, डरिए मत। ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं कौन बनेगा करोड़पति खिला रहे हो? ना ना बिल्कुल, पढ़ाई इतनी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों के आगे लगी, देखो इतनी कंप्यूटर स्क्रीन तो खैर अमिताभ बच्चन के आगे नहीं लगी, जितनी बच्चों के आगे लगी है। हाँ जी। किस चीज की क्लास रूम में आ गया मैं ये तो बता दो। कंप्यूटर क्लास रूम में नहीं, सिखा क्या रहे हो? अभी इनको डीसी कोर्स कराते हैं। डीसी है। अभी इनका पावर पॉइंट चल रहा है, एंड हो गया इनका। अच्छा, आगे नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेस। ठीक है जी। तो सामने की तरफ भी दिखा दो एक बार, करते हैं बातचीत फिलहाल बच्चों से भी। भाई क्या हाल है? बढ़िया है सर। क्या नाम है अपना? अंकित। कैमरे के पीछे भी भाई अंकित और आगे बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर भी अंकित। भाई कैसा सिखा रहे हैं? बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं। कितना समय हो गया आपको आते हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने? सही बताइए ईमानदारी से, जो कहूंगा सच कहूंगा, बढ़िया सिखा रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया। काम आएगा आगे? यस सर। कोई वो तो नहीं झिझक वगैरह, कोई दिक्कत परेशानी? नो बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं लगातार। पास हो जाएगा टेस्ट में? हाँ। क्या तो 2-4 नंबर मैं दबा दूंगा। बस तो देख पा रहे बच्चों को प्रॉपर कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है, जो बच्चों के भविष्य में काम आएगा। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। हेलो मैम, ये माइक पकड़िए आप पहले एक बार। कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? रूबिन। रूबिन, कितना समय होगा आपको यहाँ पर आते हुए? 2 महीने। 2 महीने, फर्क दिखा? हाँ जी। और जो सोच कर आए थे आप और सेंटर्स के मुकाबले अलग है?
और सेंटर में गई नहीं। अच्छा गई नहीं, सीधा यही आयो? बड़ा नाम सुना मतलब हार्ट रूम का? पक्की बात है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एलईडी बल्ब लेके ढूंढूंगा हिसार में? बिल्कुल सर, नहीं मिलेगा हमारा। हार्ट ऑन स्किल सेंटर ऋषि नगर विश्वकर्मा मंदिर रोड हिसार। उस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए अंकित भाई, कैमरा लगा कर अच्छी तरह टिका कर दिखाओ पहले तो। आपको बिल्कुल ठीक सामने इस समय स्क्रीन दिख पा रही है, स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों के जो डाउट है मन में उन्हें भी दूर किया जा रहा है, बच्चों की तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाया जा रहा है। हार्टोन स्किल सेंटर हिसार ऋषि नगर, वीडियो में नंबर है, नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि कोई गलत सेंटर पर ना चला जाए। आपके माता पिता की खून पसीने की कमाई है, आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। इंतजार है तो केवल आपका दिख पा रहा है, बिल्कुल मेरे ठीक सामने हर बच्चे का डाउट यहाँ पर दूर करा जा रहा है। बच्चे को कोई समस्या लगती है उसे भी दूर करते हैं, बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है मान्यता प्राप्त हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके बाद बच्चा प्राइवेट से लेकर सरकारी जॉब में उसका इस्तेमाल कर सकता है अच्छी तरह से, आराम से और तसल्लीपूर्वक। दिखा दीजिए इस समय, कुछ मेरे भाई गाँव से भी है, कुछ शहर से भी हैं, लगे पड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ कर तैयारी बड़े जोरों शोरों के साथ करवाई जा रही है। टीचर्स भी इस समय तैयार है कमर कस के। 2024 अगर बात करूँ आ चुका है, अब इंतजार है तो केवल आपका, अपने आप को कब अपडेट करोगे। ये आखिरी क्लासरूम है जो मैं आपको इस समय हार्टोन सेंटर का दिखा रहा हूँ। आपको सभी क्लासों का मैंने विजिट करवाया, दिखाया, बच्चों ने बातचीत की। अब अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो बहुत कुछ खोओगे, घर बैठे बैठे भी आप बातचीत करो। अगर आप भी कंप्यूटर की दुनिया में घुसना चाहते हैं, स्क्रीन मेरे सामने देख पा रहे हैं, बच्चों का डाउट इस समय दूर किया जा रहा है। फिलहाल सर मौजूद है, करता हूं बातचीत। सर नमस्कार, कैसे हो जी? बढ़िया सर, आप बताइए। सब बढ़िया, ठीक हो? एकदम बढ़िया सर। तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। बच्चों की कोई कमी पेशी? कोई कमी पेशी नहीं सर, जो कमी पेशी है हम वो पूरी करें। हम अपना पूरा स्टाफ सर के नेतृत्व के अंदर पूरा स्टाफ शुरू से लेकर के एंड तक वो सारी कमियां पूरी कर रहे हैं। मतलब 100 में 100 दे रहे हो आप? पूरे 100 में 100, हम तो सर 110 देने को तैयार है पूरा। अच्छा जी। पर बच्चे ऊपर पूरा उसको तैयार करके भेजते हैं कि हमारे यहाँ पे आ गया, एडमिशन से लेकर के फाइनल उसका रिजल्ट से लेकर डिप्लोमा, उसके बाद में वो जहाँ पे प्लेसमेंट भी लगे वहाँ पे भी, और राजीव मंगा सर के गाइडेंस के अंदर बहुत सब कुछ अच्छे से हो रहा है सर, बच्चे भी खुश हैं। सर एक सवाल है, मान लीजिए मेरे जैसा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़कर जा चुका है और भविष्य में उसे कोई समस्या आती है, क्या तब भी टीम बैठी होगी, पूरी टीचर बैठे होंगे? अगर उसने एडमिशन ले लिया जब तक उसका फाइनल के अंदर सिलेक्शन ना हो जाए, जहाँ पे ना लग जाए, हम उसको बाकायदा इंडस्ट्री के अंदर लेके भी जाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, और वहाँ भी कोई दिक्कत आती है बच्चे हमको फ़ोन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हम उसका सोल्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा मिल गया और यहाँ से भेज दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जी। सो रिश्ता आपके साथ बाद में भी रहता है, अगर आप यहाँ से पढ़कर जा भी चुके तब भी अगर आपको कोई समस्या लगती, कोई डाउट आपके मन में, तो आप बैठे बैठे फ़ोन पर अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। सो मैम लास्ट टाइम में वीडियो का आखिरी अंतिम पीढ़ी अंतिम समय सॉरी सो आप क्या कहना चाहते हैं माता पिता को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को? मैं ये सभी माता पिता को और जो लड़के लड़कियां हैं, मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहूँगी कि आज के टाइम में कंप्यूटर कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट हो गया है, तो इसलिए हर बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाए। और हमारे यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है 1 ईयर 6 मंथ और 3 मंथ 1.5 मंथ सभी कोर्सेज अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजा जाए। बिल्कुल। सो फाइनली सर के पास आ चुका हूँ, अब करूँगा बातचीत, कड़े सवाल होंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया है। कितने सालों से इस फील्ड के अंदर हो आप? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ, 94 से ही इसी फील्ड में हूँ, ये फील्ड नहीं छोड़ी मैंने। बिल्कुल, सिर्फ जुनून था इस फील्ड में कुछ करना है। मैं अनुमान लगाऊँ हजारों नहीं लाखों बच्चों को मतलब आपने पार लगा दिया, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं। अब ये बताइए, मान लीजिए सेंटर पर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, कोर्स पूरा हो जाता है, नौकरी के बारे में कुछ बताइए, नौकरी कैसे करेगा, आप लगवाओगे क्या है? ऐसा कि गारंटी तो हम लेते नहीं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देते हैं और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करा देते हैं, डिमांड हमेशा पेंडिंग में रह जाती है। मतलब बच्चा जो है बाद में आता है, हमारे पास पहले रहता है कि हमने कहीं कहाँ लगवाने हैं बच्चों को। क्लासरूम की अगर बात करूँ, कौन कौन से विभागों में बांटी गई क्लासों को? टोटल हमारे पास 8 लैब है। ठीक है, और सारी प्रैक्टिकली जो काम है वो सारा उसी लैब में होता है, 2 थ्योरी रूम है। ठीक है, और हर क्लास में 2-2 टीचर हैं। अच्छा। ताकि मतलब जो है अगर एक टीचर कभी एबसेंट भी हो जाता है तो उसका अल्टरनेट टीचर है, प्लस ट्रेनिंग पे भी अपना स्टाफ है। ठीक है जी। और 24 कैंडिडेट हमारे पास आए हुए हैं,
ITI से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा। जो 9 to 5 जो है हमारे पास रहते हैं, ठीक है, और वो भी मतलब वो भी सीखते भी हैं और हेल्प भी करते हैं, दोनों काम रहते हैं। सर जो आपने स्टाफ रखे है मान लीजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन क्या है, क्या वो खुद भी ट्रेंड है या नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर खुद ट्रेन नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, एमसी क्वालिफाइड स्टाफ रहता है, बीटेक स्टाफ रहता है, अगर उन्हीं को नहीं आता होगा तो आगे कराएंगे कैसे? बिल्कुल जी। हाँ। तो एक बार सेफ्टी वाइज अगर बात करूँ, लगभग हर एक कमरे में CCTV आपको लगा हुआ दिखाई दे पा रहा है, ये बढ़िया लगा सर मुझे सेफ्टी वाइज। हाँ बिल्कुल, देखो इनसे वॉच भी तो होता रहता है क्योंकि हर समय हर लैब में जाना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ से पता चल जाता है कहीं कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है जी। फिलहाल वैसे तो लोगों को आपकी लोकेशन पता है, फिर भी बता दो एक बारी। बस स्टैंड के बिल्कुल बैक साइड में है, विश्वकर्मा मंदिर के बिल्कुल पास है, ऋषि नगर है। और सर एक मन की बात पूछूं, हाँ जी हाँ जी, कंप्यूटर अगर बात करूँ, कंप्यूटर कितने हैं? कंप्यूटर अपने पास लगभग हैं 250+ कंप्यूटर लगे हुए हैं। 250+। हाँ, और इंटरेक्टिव बोर्ड हैं, और जिसमें मतलब जो है बच्चा जो है उसको एक तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर बच्चा पढ़े और एक इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर पढ़े तो बहुत फ़र्क है। जब पहला हमने लगवाया तो हमें लग रहा था कि कॉस्टली है और हम लगवाएं ना लगवाएं, लेकिन लगवाने के बाद हमें मज़ा आया बिल्कुल, और बच्चों का भी रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला तो हमने एक और ले लिया फिर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जो आप सर्टिफिकेट देते हो उसमें सुना है कि हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एग्ज़ाम जो होता है वो चंडीगढ़ से लेने आते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और बच्चा अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है, सर्टिफिकेट वहीं से बन के आते हैं, हमें कुछ नहीं करना। अच्छा। हमने तो सिर्फ पढ़ाना होता है बच्चों को जो है, हम सिर्फ स्टडी कराते हैं और अच्छी तरह उनके टेस्ट वगैरह रूटीन टेस्ट रहते हैं हमारे, और उसके बाद जो है बच्चा अपना एग्ज़ाम देता है और क्वालिफाई कर जाता है। सो तमाम लोग इस समय जितने मुझे सुन पा रहे, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करते रहे, आपको प्लेसमेंट भी दिलवाई जाती है, ऐसा भी है, ये अंदर की बात है। गारंटी नहीं लेते देखो, गारंटी वगैरह किसी बात की भी नहीं, क्योंकि बच्चा कहता जी आपने गारंटी ले ली थी, ठीक है, तो बच्चा मान लो जो मिलती है उसको मान लो 10,000 रुपए की, वो कहता जी 15,000 से कम मैं करता नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मदद की जाती है बच्चों की, मदद की जाती है बिल्कुल बिल्कुल, दिल खोलकर। हाँ हाँ बिल्कुल, दिल खोलकर। माता पिता को बड़ी चिंता है, 2024 आ चुके हैं, बच्चों को क्या करवाएं क्या करवाएं, तो मैसेज तो दो हार्ट्रॉन सेंटर की तरफ से, 30 साल हो गए आपको सेवा देते हुए। हाँ देखो, अभी प्लस टू के पेपर हो गए हैं, 10th के पेपर हो गए हैं, तो ये 2-3 महीने वेस्ट ना करके बच्चा जो है कंप्यूटर कोर्स कर सकता है और उनका उसको बेनिफिट भी रहेगा। क्योंकि देखो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी अपने ऑफिसेज हैं या शॉपकीपर्स हैं, सबको ऑपरेटर की जरूरत है, ठीक है ना। लगभग एक बच्चे जो भी करता है उसको हिंदी की इंग्लिश की दोनों टाइपिंग सिखा देते हैं, ताकि उनको किसी भी फील्ड में दिक्कत ना आए, ताकि मतलब जैसे मान लो इंग्लिश में 35 की स्पीड बनवा देते हैं या हिंदी में 20-25 की स्पीड बन जाती है, ताकि उसको कहीं पे भी जब इंटरव्यू देने जाए तो बिल्कुल उसको ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ नहीं आता। बिल्कुल, ठीक है। देखो टाइपिंग जब बच्चा करता है ना तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि हाँ भी कंप्यूटर में कुछ आता है, ठीक है ना। सर धन्यवाद आपका, बड़ा कीमती समय निकालने के लिए हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। सो देख पा रहे हैं, ये यही व्यक्ति है इस हर शहर में 30 सालों से अपनी सेवाएं देते हुए। मैं अगर बात करूं हजारों बच्चों को, हाँ बुक्स दिखा दीजिए, हजारों बच्चों को कंप्यूटर सिखाया, बच्चों को आगे बढ़ाया, बच्चे आज अगर बात करूं हर एक फील्ड में इनके आगे हैं, हर एक फील्ड में। और किताबें देख पा रहे हैं, हाँ ये जो बुक्स हैं हमने बुक्स डिजाइन की हुई है, ठीक है जी, मतलब बच्चों को साथ साथ प्रैक्टिकली इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अच्छा। ताकि बच्चा जो करता है उसको साथ साथ प्रैक्टिकल करके देख लेता है और आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, अगर वो मैच हो गया तो इसका मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये सारा काम करना आ गया। बिल्कुल जी। हर एक टॉपिक की एक्सरसाइज बनी हुई है ताकि बच्चा काम कर पाए। ठीक है। बैग वगैरह भी हम साथ देते हैं ताकि बच्चे को बुक्स वगैरह लाने में दिक्कत ना हो। नोटबुक भी रहती है हमारी। अच्छा। हाँ नोटबुक भी हम साथ देते हैं, कहता हूँ ये जैसे नोटबुक है, ठीक है ना, तो बच्चे को बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। 2 भरे 4 भरे 10 भरे सब नोटबुक हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल जी। हाँ हाँ। तो देख पा रहे हैं भैया, शायद ऐसे व्यक्ति और कोई ना हो हिसार शहर के अंदर, इंतजार है तो केवल आपका, घर बैठे बैठे वीडियो में नंबर है, अगर आप हिसार वासी है या फिर आसपास के क्षेत्र वासी, एक बारी संपर्क जरूर करें।